नमस्कार, पांच की आंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं रीनू। और आज सबसे पहले पांच की आंच में बात होगी साजिश की। देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, लेकिन इंदौर और झाबुआ में उत्सव में खलल डालने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश आप इसे कहेंगे। बताएंगे कि कैसे शहर में शिकारी का आतंक भी बरकरार है, इंदौर कैसे तेंदुए की दहशत में है। बात नेताजी के बिगड़े बोल की भी होगी और ये भी बताएंगे कि कैसे उज्जैन में पुलिस पर सीधे सवाल। बात करेंगे बैतूल की भी, बैतूल में किसान क्यों है बिजली बिल से परेशान, ये भी जानेंगे। देखिए पांच की आज। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्सव है उसका जिक्र करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में उलट हालात हैं। असामाजिक तत्वों ने उत्सव में खलल डालने का प्रयास किया है। इंदौर की बात करेंगे, जहां इंदौर में श्री राम का पोस्टर फाड़ दिया गया, तो झाबुआ में भगवा ध्वजों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई। आखिर किसकी है ये साजिश, आइए जानते हैं। देश राममय है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है, देश भर में उत्सव का माहौल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस उत्सव में खलल डालने की भी कोशिश की जा रही है। इंदौर और झाबुआ में ऐसी साजिश रची गई है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इंदौर में छोटी खजरानी में असामाजिक तत्वों ने भगवान श्री राम के पोस्टर फाड़ दिए हैं। सवाल है कि क्यों, क्या पोस्टर फाड़कर धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश है ये? देश जब प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है, ऐसे वक्त में आखिर किसने ऐसी हरकत की? पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। MIG पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर की ही तरह झाबुआ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पेटलावत थाना क्षेत्र के मोर गांव में भगवा ध्वज जलाने का मामला सामने आया है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गांव में ये ध्वज लगाए गए थे। असामाजिक तत्वों ने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद काफी गुस्सा देखा जा रहा है। भगवा ध्वजों में आग किसने लगाई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। कहीं भगवान के पोस्टर फाड़ना तो कहीं भगवा ध्वज में आग लगाना, ये साजिश किसने रची है? वो कौन है जो माहौल बिगाड़ने की, धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जू या जंगल में तेंदुओं को देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो अगर शिकारी शहर में आ जाए? इंदौर में ऐसा ही हुआ है। यहाँ एक तेंदुआ दो शावकों के साथ घूम रहा है, लोगों में दहशत है, तेंदुए की तलाश भी लगातार की जा रही है। सब दहशत में है, शिकारी शहर में है, वन अमला पसीना बहा रहा है, पुलिस भी परेशान है। शिकारी की तलाश जोर शोर से जारी है, लेकिन शिकारी भी सब पर भारी है। शिकारी भी कोई आम नहीं, खूंखार तेंदुआ है जो घुस आया है इंदौर में। कल सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस कैंपस में तेंदुआ नजर आया था, इसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन अमले ने तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी देर बाद वहां तेंदुए के पैरों के निशान मिले। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले IT कंपनी के परिसर में BSF के कुछ जवानों को तेंदुआ दिखाई दिया था। इंफोसिस में जो कल तेंदुए की रिपोर्ट मिली थी, सर्चिंग के बाद वहां पर शाम को हमने एक पिंजरा लगाया है और अभी सुबह जिस उसका अपडेट लिया हमने, वहां पे भी तेंदुआ नहीं आया है। लेकिन एक और अभी हमारे पास खबर आई है, तो उसके दो बच्चे हैं, वो अभी गेहूं के खेत में घूम रहे हैं, तो जहां पे हमारी रेस्क्यू टीम अभी पहुंची है, तो वो सर्च करने के बाद पता लगा कि वो बच्चे हैं कहां। इससे ये लग रहा है कि जो कि इंफोसिस और वो गेहूं की जो खेत है वहां पे, तो वो दोनों पास पास में लगे हैं, तो ये तो तय हो गया है कि ये तेंदुआ पहले से ही तेंदुआ, मादा तेंदुआ इंफोसिस में ही अपना बना रखा है उन्होंने आवाज,
बताया जा रहा है कि तेंदुआ अकेला नहीं है, उसके साथ दो शावक भी हैं, जो जंगल से भटककर शहर की ओर आ गए हैं। इनका जल्दी से पकड़ना इंसानों के लिए भी जरूरी है और इन तेंदुओं के लिए भी तेंदुए इंसानों पर हमला कर सकते हैं और डरे हुए इंसान भी तेंदुआ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेंदुए के साथ शावक भी हैं, ऐसे में तेंदुआ और भी आक्रामक हो सकता है। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है, जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें। फिलहाल वन अमला मिशन तेंदुए में जुटा है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की बात कही जा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। मौजूदा स्थिति आप समझ रहे हैं किस प्रकार से तेंदुए की धरपकड़ लगातार की जा रही है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि शुरुआत से मामला कैसे निकलकर सामने आया था। शहर में शिकारी पहुंचा, इंदौर का जिक्र, जहां तेंदुए की दहशत एक एक कर फैली। तो आईटी कंपनी के कैंपस में तेंदुआ घुस गया। 100 एकड़ से ज्यादा है कैंपस, तेंदुए के साथ दो शावक भी मौजूद रहे। बीएसएफ जवानों ने देखा था तेंदुआ और तेंदुए को पकड़ने के लिए उसके बाद सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई। वन अमले को सूचित किया गया, वन विभाग की पूरी टीम यहां पर पहुंचती है, तेंदुए की तलाश की जाती है। आईटी कैंपस में जहां देखा गया वहां पर सबसे पहले सर्च ऑपरेशन चालू किया गया और अब जब पगमार्ग मिले हैं तेंदुए के, तब उसे पकड़ने के लिए इसी इलाके में पिंजरा लगाया गया है। अब इंतजार इसी बात का कि जल्द ही सफलता वन विभाग की टीम को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिले। और चलिए अब बात करेंगे, चुनाव हारने के बाद अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड में पहली बार संवाद किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते वो अपना आपा खो बैठे और कहा कि किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कह दिया कि किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को अटेर का विधायक और मंत्री बताते हुए कहा कि किसी ने गुंडागर्दी अगर करी तो वो कमर तोड़वा दे। कलम में कभी मत फंसना, उसके अलावा डरना नहीं, ना दैन्यम ना पलायनम। गीता का सिद्धांत है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, दैन्यम ना पलायनम, किसी के डर भय में रहना नहीं। और जो गुंडागर्दी करेगा जैसे लाठी कमर तुड़वा देगा। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या है मामला। नेताजी के बिगड़े बोल, अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़े बोल, कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते वे आपा खो बैठे और उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बोल दी जो कि अब सियासत में गर्म उबाल लेकर आई है। कई बार आप इस प्रकार का क्रम देखते भी हैं, किसी ने अगर आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। लगातार ये प्रयास रहता है कि जो जनाधार है वो बरकरार रहे, लेकिन उस दौरान कार्यकर्ता और नेता कई बार अपना आपा खो देते हैं। इसी प्रकार से इनका भी बयान आप देखिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हारे हैं लेकिन सरकार नहीं हारी है, किसी ने गुंडागर्दी अगर की तो कमर तोड़वा देंगे। अटेर से विधानसभा चुनाव हारे हैं भदौरी, लेकिन इसके बावजूद ठसक कम है। तो आप देखिए कि चुनाव हार चुके हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं अरविंद सिंह भदौरिया, और अब जब चुनाव हारने के बाद इस तरीके का बयान है तो जाहिर सी बात है कि घेरे भी जा रहे हैं। और अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जुलाई 2023 उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली थी। आपको याद होगा कि विशेष समुदाय के युवकों के द्वारा थूकने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक नया पोल। तो पूरे मामले में शिकायतकर्ता और गवाह दोनों अपने बयान से पलट गए, ये चौंकाने वाली बात है। हालांकि एक गवाह की अभी कोर्ट में गवाही बाकी है, लेकिन न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ भी दिया। अब कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शिकायतकर्ता और गवाह के बयान से साफ हो रहा है कि पुलिस ने बिना जांच के FIR दर्ज की, उन्हें जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, बिना जांच के इनके मकान तोड़े गए। आपको बताएं कि मामले में एक युवक समेत दो नाबालिगों को आरोपी बनाया गया था। तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज हुआ। 68 दिन बाद न्यायालय से दोनों नाबालिगों को जमानत मिली और अब बालिग को भी जमानत दी जा चुकी है। दौरान ये सुनील लोड और एक अशोक ये जो खत्री करके लड़का है, इन्होंने गवाही के दौरान पूरा घटनाक्रम को और FIR को और इसने जिसने FIR हुई थी सांवर लोड उसने देने से इनकार कर दिया कि मेरे से पुलिस ने हस्ताक्षर करवा लिए। तो ऐसी स्थिति में FIR से ही सीधा डिनाइल है उसका। जी
सर अब आगे और किसकी इसमें गवाही होना है, क्या कुछ इसमें प्रोसेस में रहेगा? आगे इसमें और बाकी के गवाह हैं, विटनेसेस हैं, एक भोपाल एक इंदौर का है वो भी विटनेस है, वो भी अपने आप को चश्मदीद बता रहा है। ऐसी स्थितियां हैं, सीडी दी है मुझे, उस सीडी में तो एक सिंगल पर्सन दिख रहा है मुझे, बाकी की सीडी नहीं मिली है जी। कहने का चाहूँगा मैं, अल्लाह के करम से मेरे बच्चे सही सलामत घर पर आ गए हैं मेरे, मुझे इस केस से कुछ भी नहीं लेना देना। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान थूकने का ही पूरा मामला सामने आया था, विशेष समुदाय के युवकों पर आरोप लगा था। और मुझे लगता है रिनू सभी को वो याद होगा क्रम, जिस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई की भी बात हुई, उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला भी देखा। जुलाई 2023 तीन लोगों को आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था। धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज हुआ, आरोपियों के मकान पर बुलडोजर एक्शन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसकी तस्वीरें भी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कोर्ट से, लेकिन अब तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है। और आप ये देखिए कि बयान से पलटे जाने के बाद जो शिकायतकर्ता है और गवाह है, ये बयान से पलट गए, इसके बाद इन्हें जमानत मिल गई है। तो ये पूरा क्रम आपने समझा है, अगली खबर की ओर अब आपको लिए चलेंगे। बैतूल का जिक्र करेंगे जहां भारी भरकम बिजली के बिल नहीं जमा करने के बाद कनेक्शन कटने से शहरवासी नाराज हैं, क्षेत्र के किसानों ने अनोखा प्रदर्शन भी किया है। तो 217 से अधिक किसान गाय के ऊपर बैनर लटकाकर बिजली कार्यालय पहुंचे और विभाग से सही बिजली का बिल देने की मांग की। किसानों की माने तो उन्हें शहर के टैरिफ के हिसाब से बिजली बिल दिया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ साथ हमारे जानवर भी प्यासे हैं ना, उनको बिजली कट चुकी है, फसल सूख रही है और गाय उनको पानी पिलाने के लिए भी साधन नहीं है कुछ भी, क्योंकि इन्होंने बिजली काट चुके हैं। तो यहाँ पे लेके आए प्रदर्शन के लिए, यहाँ उसको बाटल से पानी पिलाया गया है। शहर में जो भी हैं लघु कृषक हैं, बहुत कम जमीनें हैं उनके पास, अब उनको इनने 24 घंटे बिजली दे दी। वो ये स्थिति हो गई है कि हमारे सामने 500 रोटी रख दी गई और हमसे बोल रहे हैं कि आप 500 रोटी का पेमेंट करो। हमारा उपयोग तो दो ही रोटी का, चार रोटी का है, अब उतनी बिजली का हम क्या करेंगे? उतनी ज़मीनें नहीं है, ज़मीनें हैं तो उतने वाटर सोर्स नहीं है जिनका उपयोग करें। आज अगर उसको ग्रामीण से तुलना की जाए तो ग्रामीण को जो बिल दिया जाता है वो 9000 यूनिट कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। अब हमारा 9000 साल भर में कंजम्पशन ही नहीं है, और वो हमारा अगर 9000 कंजम्पशन होता है तो उसके लिए हमको 30-35 हज़ार रुपये भी देना पड़ता है। ऐसे किसान जो शहरी फीडर से जुड़े हैं, 24 घंटे सप्लाई ले रहे हैं, माननीय नियामक आयोग के निर्देशानुसार उन सभी को मीटर लगाकर बिजली बिल की खपत के आधार पर बिल दिए जाने हैं, और जो हमारे नियामक आयोग द्वारा टैरिफ जो निर्धारित है उसके अनुसार बिल दिए जाने हैं। बैतूल शहर में ऐसे 185 किसान हैं जो 24 घंटे से बिजली ले रहे हैं, सभी के मीटर युक्त हम बिजली दे रहे हैं। उसमें से 12 किसान, 185 में से 12 किसान ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि उनको फ्लैट रेट पर मिले, जो कि हम हमारे लेवल पर, हमारे स्तर पर नहीं कर सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं, किस प्रकार से मामला उजागर हुआ था इस बारे में शुरुआत से जानकारी। बैतूल का जिक्र था जिसमें किसानों को भारी भरकम बिजली बिल दिया गया, 2-2 लाख तक का बिजली बिल इन्हें थमा दिया गया था। तो आप ये देखिए कि बिल नहीं भरने पर इनका कनेक्शन भी काट दिया गया। पहले तो बिजली बिल गलत भेजा गया और बिजली बिल जब नहीं भरा गया तो कनेक्शन काटा गया। किसान गड़बड़ी का लगातार आरोप लगाते रहे, किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, मवेशियों के लिए भी पानी पीने की दिक्कत खड़ी हो गई है। बिजली कार्यालय पहुंचे किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और इसलिए इतना जबरदस्त प्रदर्शन और कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण करने का प्रयास भी किसानों की तरफ से किया गया, जिससे बिजली का बिल अगर ठीक तरह से दिया जाता है तो वो भर देंगे, इस बात का आश्वासन भी दिया है। ये भी कहा है कि अगर नहीं भरते हैं तो आपको इसके लिए कोई समाधान ढूंढना चाहिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आगे भी खबरें जारी है, बने रहेगा न्यूज़ 18 के साथ।